स्प्रिंग के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा। अब ये स्ट्रिंग क्या होता है? सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग्स को कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स कहा जाता है। इसी को दूसरा वर्ड हम कहते हैं एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्ट्रिंग प्रिंट की है हेलो नाम की। ठीक है, इसमें एच एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, एल एल ओ, इन सारे कैरेक्टर्स को मैंने एक बॉक्स में फिट करके कंबाइन करके एक स्ट्रिंग प्रिपेयर की है जिसका नाम है हेलो। तो स्ट्रिंग्स इन सी, इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। स्ट्रिंग फंक्शन से लेके स्ट्रिंग्स को सी प्रोग्राम में कैसे लिखा जाता है, इन सारे टॉपिक्स को आज डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। तो पहली बार अगर मेरे वीडियो को कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो डेफिनेटली बनता ही है और वीडियोस तो आपको पसंद आ ही रहे हैं। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं कि स्ट्रिंग्स इन सी किस तरीके से सी प्रोग्राम में लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक पहला एग्जाम्पल लिया है कैरेक्टर नेम एरे। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे है। ठीक है, उसको मैंने असाइन किया वैल्यू कोडजीफाई। अब इसको प्रिंट करने के लिए हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि परसेंट एस नाम का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर रहता है, उसका यूज़ करके मैं यहाँ पे उस स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा आउटपुट होता है नेम ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू कोडजीफाई। अब गाइज देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस इन सी। strlen ये पहला फंक्शन है, तो len सुन के ही आपके माइंड में एक वर्ड आ रहा होगा, लेंथ। ठीक है, हर स्ट्रिंग की एक लेंथ है। कोडजीफाई स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई? 7, codzify। वैसे ही मनीष स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई? manish, 6। इस तरीके से स्ट्रिंग की लेंथ काउंट की जाती है। ठीक है, तो strlen फंक्शन है स्ट्रिंग का, जिसकी मदद से हम प्रोग्राम में स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें सेम है कैरेक्टर एरे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कोडजीफाई, इसकी लेंथ हमें प्रिंट करनी है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो strlen की मदद से मैंने वो कैरेक्टर एरे का नाम पास किया, strlen ब्रैकेट में एरे। अब उसमें क्या हो रहा है, strlen एक वैल्यू फाइंड करेगा, राइट, काउंट करके उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7। वो 7 वैल्यू जो है उसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने उसको इंटीजर एलियन 1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इसी वेरिएबल को हम परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से प्रिंट करेंगे सिंपल। तो ये होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू परसेंट डी। अब जो भी वहाँ पे वैल्यू होगी एलियन 1 की वो प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा आउटपुट होता है यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा चीज़ नोटिस की होगी कि लाइब्रेरी में मैंने स्ट्रिंग डॉट एच इंक्लूड किया है। तो इस स्ट्रिंग डॉट एच का जो पर्पस है, इस लाइब्रेरी में ही strlen और जो बाकी के स्ट्रिंग फंक्शंस हम देखने वाले हैं ना, ये सारे जो वर्ड्स है इस लाइब्रेरी में अटैच्ड है। तो इसका यूज़ करके ही आप strlen को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी स्ट्रिंग फंक्शंस को, तो ये नेसेसरी है कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी आप इंक्लूड करें ही। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्ट्रिंग फंक्शन है उसको समझने से पहले हम देखते हैं ASCII वैल्यू क्या होता है। ASCII वैल्यू एक स्मॉल अल्फाबेट कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ऐसे ए से लेके जेड तक जितने भी वैल्यूज है वो स्टार्ट होते हैं 97 से। तो ASCII वैल्यू ऑफ ए इज 97। तो वही अगर मैं आपसे पूछूं कि ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल बी इज, तो आप बोलेंगे 98। ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल सी इज, तो आप बोलेंगे 99। इस तरीके से आप जेड की भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग होती है 97 से स्मॉल ए की, और वहीं अगर कैपिटल ए है, अपर केस ए है, तो उस केस में ASCII वैल्यू होती है 65। अपर केस बी की वैल्यू है 66, 67। इस तरीके से आप वैल्यूज़ को काउंट करके ASCII वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वही अगर मैं आपको बोलूँ कि नल कैरेक्टर की ASCII वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 0। और ASCII वैल्यू ऑफ स्पेस, क्योंकि स्ट्रिंग में कभी कभी स्पेस भी होता है ना, जैसे हेलो और वर्ल्ड, बीच में एक स्पेस भी आएगा, तो उसकी भी ASCII वैल्यू होगी, उसका वैल्यू है 32। ठीक है, बस ये चार वैल्यूज आपको याद रखने होते हैं, तो आप इजीली कोई भी सी का प्रोग्राम आप सॉल्व कर सकते हैं इंटरव्यूज़ में, या फिर खुद से आपको अगर लिखना है तो आपको ये नॉलेज रहना ज़रूरी है। अब यहाँ पे सेकेंड फंक्शन है strcmp। cmp मतलब कंपेयर, ये कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है हेलो और हेलो, इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में डबल इक्वल टू है। ठीक है, इस ऑपरेटर की मदद से डबल इक्वल टू हम चेक करेंगे कि ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है क्या। अगर इक्वल है और सेम है तो वो रिटर्न करेगा 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस टू है कि यहाँ पे सपोज दो स्ट्रिंग है, एक जेरी और एक फेरी, तो इन दो स्ट्रिंग्स का जो मेल मिलाप है वो सेम नहीं है, ये दोनों अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, अगर ये सेम रहती थी तो 0 होता था, पर ये अलग है, तो यहाँ पर क्या होगा, J की ASCII वैल्यू और F की ASCII वैल्यू, जो भी नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स है
उनकी वैल्यू निकाल के उनको सब्सट्रैक्ट करके जो भी आंसर आएगा वो होगा हमारा आंसर। तो आज की वैल्यू निकालेंगे जेरी के जे की तो वह 74 और फेरी के एफ की तो वह 70। तो 74 माइनस 74 हो गया तो इसका आउटपुट हो जाएगा 4। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे पहली स्ट्रिंग है जेरी और दूसरी स्ट्रिंग है जेरी बॉय। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जेरी और जेरी दोनों का सेम है तो इसको हम इग्नोर करेंगे, हम नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि हर स्ट्रिंग में एक नल कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट एडेड है, ठीक है। जैसे जेरी मैंने लिखा तो उसके आगे एक नल कैरेक्टर है \0, ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, पर ये काउंट नहीं होता है लेकिन ये ऐड हो जाता है। वैसे ही जेरी बॉय में बॉय के आगे एक नल कैरेक्टर ऐड होता है, ठीक है, \0। नल कैरेक्टर की ASCII वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। 0 माइनस स्पेस, स्पेस की ASCII वैल्यू है 32, तो 0 माइनस 32 माइनस 32 इस कंपेरिजन का आउटपुट होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये दो फंक्शन समझ में आए होंगे स्ट्रिंग्स के, strlen, strcmp। और कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर करूंगा। अब देखते हैं थर्ड स्ट्रिंग फंक्शन जो है strcat। strcat बहुत सिंपल है, ये कॉन्कैटिनेट करता है, ये कंबाइन करता है दो स्ट्रिंग्स को। जैसे यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर एरे लिया है s1 जिसमें लिखा है हेलो, और दूसरा कैरेक्टर एरे दिया है नाम s2। अब strcat फंक्शन का यूज़ करके मैंने s1 और s2 को कंबाइन कर दिया जो हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से मैंने प्रिंट किया, फिर फाइनली आउटपुट स्ट्रिंग आफ्टर कॉन्कैटिनेशन इज इक्वल टू जो भी स्ट्रिंग होगी वो कंबाइंड वाली वो s1 में स्टोर हो जाएगी ऑटोमेटिक, वहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आउटपुट होता है आउटपुट स्ट्रिंग आफ्टर कॉन्कैटिनेशन हेलो वर्ल्ड। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है strncat। अब पिछला फंक्शन था strcat, उसका था मतलब कंबाइन करना, कॉन्कैटिनेट करना। अब इसमें भी सेम है बट यहाँ पे लिमिट है कि n दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे strcat तो कंबाइन हो ही जाएगा, दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर ही देगा, लेकिन कितने कैरेक्टर्स कंबाइन करने हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ n। अब सेम एग्जांपल है, कैरेक्टर s1 एरे दिया है मैंने हेलो, और कैरेक्टर s2 यहाँ पे दिया है वर्ल्ड, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे strncat यूज़ किया है और s1, s2 और वहाँ पे एक नंबर दिया है 2, ठीक है। अब ये 2 क्या डिफाइन कर रहा है कि हेलो तो पूरा ही आएगा s1 का, वर्ल्ड में से सिर्फ दो ही कैरेक्टर हमें प्रिंट करने हैं। तो hello हेलो तो एक स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, वर्ल्ड में से 012 तो WOR इस तरीके से प्रिंट होगा हमारा आउटपुट। इसके बाद फंक्शन आता है strcpy। सिंपल है, ये कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी करने के लिए strcpy का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका सी प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया है s1, s1 के अंदर मैंने स्ट्रिंग 1 लिखा है, ठीक है। सिमिलरली s2 के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है स्ट्रिंग 2, आई एम गोना कॉपीड इनटू स्ट्रिंग s1, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग 2 s1 में कॉपी होने वाली है, वो खुद से ही बता रही है, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट लाइन में strcpy का फंक्शन यूज़ किया है जिसमें s1 के अंदर हमको कॉपी करना है s2 स्ट्रिंग, ठीक है। s2 की जो भी वैल्यू रहेगी वो s1 में कॉपी हो जाएगी, तो इसका आउटपुट होगा हमारा स्ट्रिंग 2 आई एम गोना कॉपीड इनटू s1, ठीक है। जो भी प्रिंट एफ में मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसके आगे जो %s है, %s में जो भी हम s1 के अंदर हमारा आउटपुट आएगा वो कॉपी वाली जो स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट होता है स्ट्रिंग s1 इज स्ट्रिंग 2 आई एम गोना कॉपीड इनटू स्ट्रिंग s1, ठीक है। सिमिलरली strncpy, अब ये भी कॉपीज करेगा बट n जैसे कि हमें पता है कुछ कैरेक्टर्स ही वो कॉपी कर पाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने दो कैरेक्टर एरे लिया, ठीक है, एक सोर्स कैरेक्टर एरे लिया है, एक डेस्टिनेशन लिया है। अब इसमें मैंने वैल्यू असाइन नहीं की है, मैं strcpy की मदद से यहाँ पे कॉपी करूँगा पहले सोर्स में स्ट्रिंग, फिर नेक्स्ट लाइन में उसको strncpy से काउंट करके कॉपी करूँगा, ठीक है। तो strcpy की मदद से मैंने स्ट्रिंग s1 में कॉपी किया फील्स कूल टू राइट अ कोड, ठीक है। फिर उसके नीचे मैंने strncpy की मदद से डेस्टिनेशन में उसको कॉपी किया, डेस्टिनेशन में सोर्स को कॉपी किया बट लिमिट लगाई कि सिर्फ 10 कैरेक्टर्स तक ही वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होगा डेस्टिनेशन डी स्ट्रिंग इज इट फील्स सी, वो काउंट करके आप देखेंगे 1, 2, आई को काउंट करेंगे 1, टी को 2, स्पेस को 3, एक एक कैरेक्टर को आप काउंट करेंगे इट से इंक्लूडिंग स्पेस, तो देखेंगे आप 10 कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट हुए। तो इस तरीके से आप कॉपी भी कर सकते हैं विथ सम लिमिट एज वेल। अब देखते हैं कि strchr क्या होता है।
अब ये सर्च करने के लिए काम आता है स्ट्रिंग में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, एक कैरेक्टर एरे लिया है माई स्ट्रिंग वेरिएबल में, उसमें स्टोर किया है एक वैल्यू, आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन strcr, ठीक है। इसके नीचे मैंने फंक्शन कॉल किया strcr, उसमें मैंने पास किया जो भी मेरी स्ट्रिंग थी ना एरे में, माई स्ट्रिंग कॉमा एक कैरेक्टर मैंने यहाँ पे असाइन किया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग मैंने लिखी है आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन strcr, इसमें जहाँ से भी a होगा ना स्टार्टिंग से, वहाँ से लेके पूरी वो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, आई एम एन, तो a जहाँ से आ रहा है ना वहाँ से लेके हम काउंट करेंगे, पूरी नेक्स्ट स्ट्रिंग को काउंट करेंगे, पर पीछे के हम स्किप कर देंगे, यही उसका आउटपुट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि n एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन strcr, ए जहाँ से भी होगा ना, जो भी पहला ए वहाँ से काउंट करके आप प्रिंट कर सकते हैं इजीली। सिमिलरली strrchr, ये भी सर्च ही करेगा स्ट्रिंग को, पर ये जो आर बीच में आया strr बीच में, ये रिवर्स करेगा इन रिवर्स डायरेक्शन, जहाँ से भी हम काउंट करना चाहते हैं ना वो लास्ट से काउंट करेगा, ठीक है। जैसे सेम एग्जाम्पल है, कैरेक्टर माई स्ट्रिंग एक एरे है, आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन strrchr, अब यहाँ पे भी सेम है, माई स्ट्रिंग मैंने पास किया वेरिएबल और f लिखा है, अब ये f स्टार्टिंग से काउंट नहीं होगा, हम पीछे से काउंट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन पे एक f आता है तो वहाँ से लेके पूरा आगे का स्ट्रिंग वो प्रिंट करेगा, तो लास्ट में जो फंक्शन f है ना वहाँ पे एक f कैरेक्टर हमें मिला है, तो वहाँ से पूरी स्ट्रिंग पास होगी, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी और पीछे की स्किप हो जाएगी, ठीक है। तो आउटपुट आप देख सकते हैं फंक्शन strrchr इन रिवर्स डायरेक्शन इट विल चेक, यहाँ से वो चेक करेगा, ये पीछे का स्किप कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है strstr, ये अब पूरा स्ट्रिंग का स्ट्रिंग सर्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी है s1 नाम की codesify.com और s2 दिया है codesify, तो अब क्या होगा, ये जो फंक्शन है strstr ये सर्च करेगा कि ये जो codesify है इस s1 के अंदर कहाँ पर आता है, बस इतना ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है strstr s1, s2, अब जो पहली वो स्ट्रिंग है codesify.com और दूसरी स्ट्रिंग है codesify, अब codesify इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला ही हमने फाइंड कर दिया ना स्ट्रिंग codesify, तो यहाँ से लेके जितनी भी स्ट्रिंग रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी, बस दैट्स इट, इतना ही है, सिंपल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग फंक्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, और सी प्रोग्रामिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आप पिछले वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप वीडियोस को वॉच करें, और उसमें बहुत सारा नॉलेज मैंने शेयर किया है, तो वो देखकर आप सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।